स्वागत करता हूँ आप सभी के इस प्यारे चैनल पे ओम स्टडी क्लासेस पे। तो आज हम लाए हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग जो है वो है कुलाम का नियम। इसमें से क्वेश्चन ट्वेल्थ बोर्ड या फिर बात करूँ IIT JEE के लिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसमें जो है कुलाम के नियम से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर बोर्ड के लिए बनते हैं। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए? ट्वेल्थ बोर्ड या IIT JEE के लिए। देखो, कुलाम के नियम का जो परिभाषा और सूत्र है ये तो पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ती है किसमें? बोर्ड में, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए। और इसमें जो IIT JEE के लिए इसमें सिर्फ क्या इम्पोर्टेंट है? फार्मूला आपको किस तरह से यूज करना है वो मैं आज सिखाऊंगा आप सभी के लिए क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहले कुलाम के नियम की परिभाषा, कि कुलाम कौन थे, ये किस प्रकार की परिभाषा थी, इसने किसके बारे में बात किया। इन्होंने एक वैज्ञानिक का नाम है, किसका? कुलाम जो एक वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने एक नियम दिया, एक परिभाषा दिया, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसका हम सूत्र भी पढ़ेंगे, क्या? फार्मूला। फिर इसकी मात्रक और विमा भी पढ़ेंगे, कि इसके द्वारा जो हमें सूत्र मिलता है, जो हमें फार्मूला मिलता है, उसके मात्रक और विमा किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसकी मात्रक और विमा 1 या 2 नंबर का आपको ट्वेल्थ बोर्ड में मिल जाएगा। ओके, फिर इसका बात करेंगे एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कुलाम का नियम का यूज क्या है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं परिभाषा से। ठीक, कि कुलाम का नियम, पहले मैं आप परिभाषा लिख लीजिए। आप परिभाषा, डेफिनेशन, आखिर कुलाम का नियम है क्या, इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने किस लिए बताया? इन्होंने आवेशों के बारे में बताया। आवेश क्या होता है सर? आवेश जो कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है उसको आवेश करते हैं। इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेश को जब हम किसी दूरी पर रखते हैं, माना r दूरी पर रखते हैं, किसी दो बिंदु आवेश को हम r दूरी पर रखते हैं, तो उनके मध्य जो वैद्युत बल लगता है, मान लो एक आवेश मैंने यहाँ लिया, एक आवेश मैंने यहाँ लिया, इसको मैंने मान लो r दूरी पर मैं रखा, तो इनके मध्य जो बल लगता है उसी को कुलाम का नियम कहते हैं। किस प्रकार से लगता है उसे क्या कहते हैं? कुलाम के, इसे दिया कुलाम साहब ने। ओके, अब परिभाषा के तौर पर हम लिखना चाहें कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो कि दो बिंदु आवेश, इस प्रकार इसको लिखते हैं, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, इसको बड़ा क्यों सुनता हूँ, Q1 व Q2, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य या बीच, उनके मध्य या बीच एक बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य वैद्युत बल कार्य करता है। तो उनके मध्य एक वैद्युत बल, अब सर ये वैद्युत बल क्या होता है अभी हम बताते हैं। एक वैद्युत बल, या फिर वो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, एक वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, इसे ही क्या कहते हैं? हम कुलाम का नियम कहते हैं। इसे ही कुलाम का नियम कहते हैं, कुलाम का नियम कहते हैं, कुलाम का नियम कहते
है ठीक, क्या कहते हैं कूलाम का नियम, इसे क्या कहते हैं कूलाम का नियम। जैसे दो बिंदु आवेश क्यू वन व क्यू टू एक दूसरे के मध्य आठ रुपए से, किस प्रकार से, देखो मैंने मान लिया एक दो बिंदु आवेश एक एक ये हो गया ठीक, क्या हो गया क्यू वन और एक ये हो गया क्यू टू ठीक, एक क्यू वन एक क्यू टू, ये कितनी दूरी पर स्थित है स्मॉल आर दूरी पर ठीक, तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है। अगर दोनों प्लस प्लस हुए तो आप लोग जानते हैं सजातीय आवेश के मध्य किसका कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, तो इस ओर अपना बल लगाएंगे ठीक एफ एफ, और दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे ओके। जैसे एफ क्यू क्यू वन, ये क्यू वन जो है क्यू टू पर बल लगाएगा, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे क्यू वन क्यू टू पर बल क्यू वन के कारण, क्यू टू पर बल क्यू वन कारण, इस पर कैसे लिखेंगे क्यू वन पर बल क्यू टू कारण ठीक। अगर आप इतना समझिए फिर इसको मैं डेरिवेशन के माध्यम से भी आपको बढ़िया से बताऊंगा ठीक, ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ बातें जो कि जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मतलब क्यों बिंदु आवेशों के मध्य क्यों लगता है, मतलब इसमें जरूरी बात यह है कि ये हमेशा बिंदु आवेशों के मध्य ही लगता है, कोई बड़े आवेश के मध्य नहीं, बिंदु आवेश के मध्य। जैसे मान लो आप हो दिल्ली में रहते हो ठीक, और मान लो आप दिल्ली में एक आवेश को लिए उसे आप अपने सामने रख दिया, मान लो इतने बड़े आवेश को लिए उसे आप अपने सामने रख दिया ठीक, अब बस इमेजिन करो सामने रख दिया, लेकिन आपको वो तो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब आप जाके बम्बई से देखोगे मतलब बहुत दूर जाकर, तो तुम्हें एक बिंदु के समान वो दिखेगा, मान लो नहीं भी दिखे लेकिन मान लो कि एक बिंदु के समान दिखेगा, तो उसे क्या कहते हैं बिंदु आवेश। और ये सिर्फ बिंदु आवेशों के मध्य ही लगता है, कौन सा कूलाम का नियम जो है, सिर्फ बिंदु आवेशों के मध्य ही लगता है, लेकिन ये जो बल है प्रतिकर्षण या आकर्षण लगता है। अब ये एक और पॉइंट ऐड कर लो, ये रेखा के अनुदिश लगता है, जो बल लगता है ये रेखा के अनुदिश लगता है, यह बल सदैव रेखा के अनुदिश लगता है, रेखा के अनुदिश लगता है, यह बल सदैव रेखा के अनुदिश लगता है ठीक। सर कैसे समझ नहीं आया, जैसे देखो मैंने Q1 आवेश ले लिया, एक Q2 आवेश ले लिया, प्लस Q1 प्लस Q2, ये क्या है बिंदु आवेश, कितनी दूरी पर है ये आठ दूरी पर है ठीक। ठीक है सर, आपने बताया जब सजातीय आवेश हो तो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित या तो ऐसे कर सकते हैं, ये मतलब ऊपर की तरफ, ये हो जाए नीचे की तरफ एफ एफ, तो ये अभी भी तो प्रतिकर्षित ही कर रहे हैं, ये उस तरफ जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है, अभी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन कूलाम के नियम ने ये भी कह दिया कि यह बल सदैव रेखा के अनुदिश, जो मिलाने वाली रेखा इनको इनके अनुदिश लगेगा, मतलब इधर लगेगा, ये इधर लगेगा हमेशा, Q1 और Q2 की जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश ही लगेगा ये बल ठीक। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके सूत्र के बारे में, क्या फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसका फार्मूला किस प्रकार आता है हम ये जानेंगे ठीक, और इस प्रकार की परिभाषा ये आपको बोर्ड में लिखना है ऐसे ही किस प्रकार से। अब सूत्र किसका, हम देखेंगे सूत्र को, फार्मूला देखेंगे अब ठीक, फार्मूला कैसे आएगा। तो पहले आगे कूलाम साहब ने क्या कहा, ये क्या हो गया हमारा आवेश हो गया Q1 Q2, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो गए, जिनको आर दूरी पर रखा गया है ठीक, जिनको आर दूरी पर रखा गया है। तो कूलाम साहब ने पहले कहा कि जो वैद्युत बल है, जो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, वो हमेशा इनके गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। किस तरह से, पहले देखो आप लैंग्वेज लिखना, कूलाम लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है
क्या होता है, दोनों दो आवेशों मत लेना जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किस तरह F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा, अब दूसरे को मैं लैंग्वेज नहीं लिखा है, इन्होंने जो दूसरी क्या कहा कि लगने वाला जो दोनों आवेशों के मत लगने वाला जो बल है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती होता है। देखो यहाँ तक मैं नहीं लिखूंगा, दोनों आवेशों के मत लगने वाला बल, बल जो है दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r2। क्या मैंने कहा जो लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के विरुद्ध, दूरी के वर्ग के विरुद्ध अनुपाती होता है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, ये क्या हुआ समीकरण नंबर 2, 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया सूत्र, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब सर ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक, अब इसको जब हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, क्या कूलम्ब नियतांक आएगा, तो इसको आप उतार लीजिए इसे, फिर मैं इसे मिटा के आपको इसको फिर इसके आगे के कराता हूँ। ठीक, उतार लिया होगा आप लोगों ने, पीछे आप लोगों ने क्या देखा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब इस जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला, जहां K क्या है, K है कूलम्ब नियतांक, कूलम्ब नियतांक, K है कूलम्ब नियतांक। और के का मान क्या होता है, देखो के को हम ऐसे लिखते हैं, के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इसका होता है। ठीक, के जो होता है कूलम्ब नियतांक, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब सर ये अपसाइन, इसको क्या कहते हैं, अपसाइन नॉट कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। सर ये क्या है अपसाइन नॉट, ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। अपसाइन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसे क्या पढ़ते हैं एप्साइलॉन नॉट, क्या एप्साइलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, इसका मान पता है कितना होता है अपसाइन नॉट का, इसका मान होता है 8.85 × 10^-12 8.85 × 10^-12 और इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्र हो गया। ठीक ठीक है, और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपसाइन नॉट, ये क्या है कूलम्ब का के, के का मान क्या होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपसाइन नॉट होता है 8.85 × 10^9। ठीक, अब इसका अधिक मात्रक, ये जो है ना इसका देखो मात्रक, इन दोनों का मात्रक जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम पूछता है दो या तीन नंबर का, इनका जो है मात्रक एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब इसका मात्रक किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। मात्रक और विमा, हमने क्या देखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के तो एक नियतांक है तो इसका हम मात्र किस प्रकार से लिखेंगे, देखो के को हटाओ, Q1 क्या है, ये दोनों क्या है आवेश, तुम इसे लिख सकते हैं कूलम्ब
इंटू कूलम अपॉन आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसे क्या दूरी का स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो इसे हम ऐसे कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इसको लिखते हैं, ये हो गया इसका मात्रक क्या बल का कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको पूछता क्या के का मात्रक, मतलब के, तो इससे हम के को इधर ला सकते हैं इसे इसे एफ इज तो आर को इधर ला दो क्यू वन को भी इधर दो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं के एफ आर स्क्वायर अपान क्यू वन क्यू टू। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो एफ का मात्रक हो या न्यूटन भी होता है, इसे हम बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन भी होता है। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो एफ का मात्रक क्या है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान ये क्या है कूलम स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका किसका मात्रक के का, ये कूलम नेतांक का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है बोर्ड में। ठीक, अब सर इसकी वीमा क्या होती है, इसकी वीमा भी देख लें, न्यूटन इसकी वीमा होती है एम एल टी माइनस टू, मीटर क्या होता है एल स्क्वायर, कूलम क्या होता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आप देखो टी ऊपर लिख जाओगे ये क्या हो जाएगा एम एल दो एक तीन एल क्यू टी, ये हो गया माइनस फोर, ये हो जाएगा ए माइनस टू, ये इसकी क्या होती है वीमा, ये एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं, ये वाला एफ इज इक्वल टू क्या होता है बल बराबर क्या होता है एम एल टी माइनस टू एफ इज इक्वल टू बल कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया, ये एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, एम ए तो रख। ठीक, एफ क्या आता है एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका मैं निकाला हूँ वीमा, एम का क्या हो जाएगा एम त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब त्वरण का क्या मतलब होता है एल टी माइनस टू, हाँ तो ये ठीक है एम एल टी माइनस टू। ठीक ठीक है, ये होता है इसकी क्या वीमा। अब सर एप्सिलॉन नॉट की भी वीमा बता दीजिए, किसकी एप्सिलॉन नॉट की, ये हो गया देखो के इज इक्वल टू क्या होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, इसका मान क्या होता है नौ गुणे दस के पावर नौ, अभी मैंने इसका मात्रक बताया, अभी क्या बताया मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, अब इसका इसका मात्रक निकालना, तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, एप्सिलॉन नॉट वन अपान फोर पाई के, देखो ये एक नियतांक, ये एक मतलब कि नियत राशि, इसका मान हमें पता है ये एक नियत राशि, तो इसका कोई मापांक वीमा नहीं होती है। ठीक, अब के की वीमा, के की अभी हम वीमा अभी निकाले नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम को ऊपर लेके चला जाओ क्या कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट की वी, एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई, ये हो गई तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई मात्रक। अब इसकी वीमा सर निकालनी है, तो वीमा हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ याद कर लेना है, फिर इसे मतलब निकालना सीख जाना इसको, कूलम का क्या होता है ए टी स्क्वायर, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, मीटर क्या एल स्क्वायर। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको लिख चले जाओ ऊपर एम माइनस वन एल माइनस वन टी टू हो जाएगा, यह हो जाएगा एल माइनस टू, तो इसका मान हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ये हो गया इसका क्या वीमा, ये हो गई वीमा, हमारा ख़त्म हो गया क्या कूलम का नियम। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो आपके पाँच नंबर पक्के किसमें बोर्ड में। ओके, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसका जो एग्जांपल है अगले लेक्चर में एक 15-20 मिनट का लेक्चर लेके आऊँगा आपको, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊँगा, पहले उसका फार्मूला लिख दूंगा,
फार्मूला लिख दूंगा, कौन कौन सा फार्मूला है बल का, मात्रा लिख दूंगा, फिर उसके बाद आपको सवाल करवाऊंगा, सवाल की प्रैक्टिस जो कि बोर्ड और ITJEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कहाँ भी दिक्कत हो, इस लेक्चर समझ में आया है नहीं आया। तो थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए, धन्यवाद।